तो 10 साल में जो हमने देखा है कि हमारा ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा है, लेकिन मैटर करता है कि देश में पैसा किसके पास है। इकॉनमी मनमोहन सिंह के जब टाइम था 8.1% ग्रोथ पर चलती थी। जब आप प्राइवेट कंपटीशन ख़त्म कर दोगे तो प्राइवेटाइजेशन जो है दैट विल गना लीड टू एक्सट्रीम कैपिटलिज्म एंड एक्सट्रीम कैपिटलिज्म इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द कंट्री। ऑलमोस्ट 10 साल हो गए हमको देखते हुए, ठीक है। तो बजट को अब जब देखते हैं तो 1% की भी उम्मीद नहीं रखते हम। आई टेल यू वाई, बिकॉज 10 साल को देखा है हमने, 1 साल नहीं देखा, 2 साल नहीं देखा, 3 साल नहीं देखा, 4 साल नहीं देखा, 5 साल नहीं देखा हमने सरकार को, ठीक है। तो 10 साल में जो हमने देखा है कि हमारा ये नहीं है कि देश में पैसा नहीं है, देश में पैसा है, लेकिन मैटर करता है कि देश में पैसा किसके पास है, ठीक है। आम जनता के पास कितना पैसे का कैश फ्लो आता है, या कह सकते हो कितना पैसा जाता है, 99% इंडिया का पैसा जो है वो उद्योगपतियों के पास है, वही देश को चला रहे हैं आज। अगर मैं सोचता हूँ 11.68 लाख करोड़ रुपीस अगर उद्योगपतियों का माफ़ हो सकता है तो 2 लाख करोड़ रुपया किसानों का क्यों नहीं हो सकता। और बातें करते हैं कि किसानों की आयु दुगनी करेंगे, जी 2022 तक बोला था ना, क्या हुई, दुगनी हुई, नहीं हुई, ठीक है। तो मुझे नहीं पता टीवी दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, बट ये असलियत है। इकॉनमी मनमोहन सिंह के जब टाइम था 8.1% ग्रोथ पर चलती थी, राइट। अब इकोनॉमिकल ग्रोथ कितना है, 5.4%। और हम चलो जो 2022 तक जो दिखाए थे दावे वो तो भूल जाओ, वो तो उन्होंने बोल ही दिया कि जुमला था सभी, वो ठीक है, दैट्स इट। अब क्या दिखा रहे हैं, 2030 का सपना दिखा रहे हैं ना कि हमारी इकॉनमी है जो 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनेगा इंडिया, 10 ट्रिलियन दिखा रहे हैं ना कि 10 ट्रिलियन इकॉनमी इंडिया बनेगा। राइट नाउ जो इंडिया का करंट फेस चल रहा है, एवरेज जो इकॉनमी है 5.4% से ग्रो कर रहा है। अगर 10 ट्रिलियन इकॉनमी बनना है इंडिया को, 10 ट्रिलियन इकॉनमी, दैट्स ह्यूज, राइट। उसके लिए 15% की ग्रोथ चाहिए इकॉनमी की, 15% की ग्रोथ मोदी जी लाएंगे। बजट से क्या आस रखते हो? बजट से कोई आस नहीं है, नथिंग। बजट से क्या आस रखेंगे, बजट से हम क्या आस रख सकते हैं? सारा कुछ तो आपने जो प्राइवेट करने के चक्कर में, प्राइवेटाइजेशन इज गुड, 1991 में एलपीजी रिफॉर्म्स लाए, राइट, एलपीजी रिफॉर्म्स, दैट्स गुड। प्राइवेटाइजेशन तब तक गुड है जब प्राइवेट कंपटीशन हो। जब आप प्राइवेट कंपटीशन खत्म कर दोगे तो प्राइवेटाइजेशन जो है दैट विल गना लीड टू एक्सट्रीम कैपिटलिज्म एंड एक्सट्रीम कैपिटलिज्म इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द कंट्री वेयर वी स्टे। ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ದಿನ .com ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ।